हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मेरा नाम है सुमित शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोडे प्लॉट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अभी तक हमने कंट्रोल सिस्टम में क्या कुछ पढ़ा हुआ है, कौन से टॉपिक पढ़े हुए हैं, एंड साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि उन सारे टॉपिक्स को हमने क्यों पढ़ा हुआ है। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोडे प्लॉट। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे एंड उसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को टच करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्वेश्चंस की वैरायटी चाहते हैं, नए नए क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्राइस है सिर्फ 499, जिसमें आपको मिलेंगे 1200 प्लस क्वेश्चन एंड 50 टेस्ट। तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं डिटेल एंड उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बोडे प्लॉट। देखिए, बोडे प्लॉट में मैंने आपको कल ही बताया था कि इसके अंदर हम दो तरह के प्लॉट डिस्कस करते हैं। पहला प्लॉट है मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड सेकंड प्लॉट है हमारे पास फेस प्लॉट। इन दोनों प्लॉट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने कल ये भी देखा था कि जो बोडे प्लॉट होता है, यहाँ पे हम करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस का क्या मतलब है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस का क्या मतलब है। अगर हमारे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, लेट अस सपोज जी ऑफ एस एच ऑफ एस हमें गिवन है के एस प्लस ए, ओके, ये हमें गिवन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखिए, कल हमने ये भी देखा था कि बोडे प्लॉट में हमें गिवन होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड इसकी हेल्प से हम पता करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पर हम स्टेबिलिटी किस तरह से फाइंड करते हैं? फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करके। देखिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का क्या मतलब है? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एस को रिप्लेस करना होगा जे ओमेगा से। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं एस को जे ओमेगा से, तो ये हो जाएगा जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू के अपॉन जे ओमेगा प्लस ए। अब यहाँ पे इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसका एंगल भी होगा, तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, इसे मैं लिखता हूँ जी एच, ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जी एच हमें मिलेगा के स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ पे एंगल हमें मिलेगा एंगल ऑफ जी एच इक्वल टू एंगल हमें मिलेगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन ए। अब देखिए, इस मैग्नीट्यूड में और इस एंगल में हमें देखने को मिल रहा है फ्रिक्वेंसी, जो कि हमारे पास ओमेगा, जिसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ हमें एंगल में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं और हमें चेंज देखने को मिलता है मैग्नीट्यूड में, तो इस तरह के प्लॉट को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड प्लॉट। एंड इसी के साथ, जब हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं और हमें चेंज देखने को मिलता है फेस में, तो इस तरह के प्लॉट को हम कहते हैं फेस प्लॉट। तो इन दोनों प्लॉट के बारे में हम डिस्कस करेंगे बोडे प्लॉट के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस तो हम नाइक्विस्ट प्लॉट में भी करते थे, वहाँ पे भी हमने देखा था कि एस को हम रिप्लेस करते थे जे ओमेगा से एंड कुछ इसी तरह से हम ट्रांसफर फंक्शन को वहाँ पे भी रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन उसके बाद हम जो प्लॉट ड्रॉ करते थे, वो प्लॉट ड्रॉ करते थे रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इसके रियल एक्सिस एंड इसके इमेजिनरी एक्सिस के रिस्पेक्ट में वहाँ पे हम प्लॉट ड्रॉ करते थे, जिसे हम कहते थे नाइक्विस्ट प्लॉट। एंड वहाँ पे हम उस नाइक्विस्ट प्लॉट की हेल्प से फाइंड करते थे स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में। बोडे प्लॉट में भी हम जो स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं वो होती है रिलेटिव स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पे हम गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन फाइंड करते हैं, गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन, जो कि हमने फाइंड किया था नाइक्विस्ट प्लॉट में भी। तो यहाँ पे इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है वो यही है कि नाइक्विस्ट प्लॉट और बोडे प्लॉट में डिफरेंस क्या है। जब दोनों ही में प्रोसीजर सेम है, दोनों ही स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए यूज़ हो रही थी, तो हमने बोडे प्लॉट यहाँ पे क्यों पढ़ा? तो इसका आंसर है, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस थी हमारे पास नाइक्विस्ट प्लॉट में, तो उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए यहाँ पे हम बोडे प्लॉट पढ़ रहे हैं। लिमिटेशंस क्या थी? लेट अस सपोज हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन था ये सेम, ओके। अब इस सेम ट्रांसफर फंक्शन के लिए
अगर मैं आपसे कहूं कि स्टेबिलिटी फाइंड करना है आपको नाइक्विस्ट प्लॉट के थ्रू, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप क्या फाइंड करेंगे, पहले गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन। एंड आपको पता है फेस मार्जिन फाइंड करने के लिए पहले हमें फाइंड करना होता है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। एंड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन होती है इट इज़ द फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1। मीन्स द फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड है, इसे अगर हम इक्वेट करें 1 से, तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो के की वैल्यू है ये हमें गिवन होती है, एंड ए की वैल्यू भी हमें गिवन होती है। तो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर पाते हैं ओमेगा की वैल्यू, जो कि होती है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र फंक्शन में कुछ चेंजेस करूँ, लेट अस सपोज हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू के 1+ST² डिवाइडेड बाई 1+ST³ एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं एस, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 1-ST² लेट अस सपोज हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है ये, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमें गिवेन है ये। अब इस ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए हमें स्टेबिलिटी फाइंड करनी है बाय द नाइक्विस्ट क्राइटेरियन। तो क्या हम स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं? देखिए, स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन फाइंड करना होगा। एंड अभी मैंने आपको बताया कि फेस मार्जिन फाइंड करने के लिए पहले आपको फाइंड करना होता है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। एंड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से फाइंड करते हैं? सिंपली इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे एंड उसे इक्वेट करेंगे 1 के साथ में, और यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी उसे हम कहेंगे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जब आप इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी काफ़ी हाइयर ऑर्डर में। तो जब भी हमारे पास हाइयर ऑर्डर में इक्वेशन मिलेगी, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा नाइक्विस्ट क्राइटेरियन को यूज़ करना, क्योंकि बाय द नाइक्विस्ट क्राइटेरियन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी मेथड, काफ़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, एंड यहाँ पे लगभग लगभग हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी फाइंड करना फॉर द हाइयर ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बोडे प्लॉट का कंसेप्ट। बोडे प्लॉट में हम क्या करते हैं? बोडे प्लॉट में हम इस ये जो ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है, इस ट्रांसफर फंक्शन का अप्रॉक्सीमेटेड ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। मतलब यहाँ पे हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं, जिसके बाद ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर फंक्शन, ये रिड्यूस हो जाता है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में। एंड उस सिंपलेस्ट फॉर्म के थ्रू हम इजीली फाइंड कर पाते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, एंड वहाँ से हम इजीली फाइंड कर पाते हैं फेस मार्जिन, एंड साथ ही साथ हम कमेंट कर पाते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। अब वो सिंपलेस्ट मेथड क्या है, वो अप्रॉक्सीमेशन मेथड क्या है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था कि नाइक्विस्ट प्लॉट के होते हुए भी, नाइक्विस्ट क्राइटेरियन के होते हुए भी हम बोडे प्लॉट क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर था ये। अब हम आते हैं फिर से टॉपिक के ऊपर। टॉपिक था हमारा बोडे प्लॉट। ओके, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया दो तरह के प्लॉट होते हैं हमारे पास, मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड फेस प्लॉट। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट क्या होता है एंड फेस प्लॉट क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो कि आपको नोट करना चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लॉट के थ्रू यहाँ पे हम फाइंड करते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। एंड जब हमें गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, तो हम इजीली फाइंड कर पाते हैं फेस मार्जिन। एंड बात करें अगर हम फेस प्लॉट की, तो फेस प्लॉट के थ्रू हम फाइंड करते हैं फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। एंड जब हमें फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, तो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर पाते हैं गेन मार्जिन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ये सब फाइंड करते हैं, ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेस प्लॉट होता क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करते हैं, तो ट्रांसफ़र फंक्शन का हमें मिलता है एक मैग्नीट्यूड और ट्रांसफ़र फंक्शन का हमें मिलता है एक एंगल। अब यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करें, तो मैग्नीट्यूड और एंगल में भी हमें चेंज देखने को मिलेगा। इसी को हमने कहा मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड फेस प्लॉट। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हम किस तरह से करते हैं? क्या हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं?
मतलब यहाँ पे हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या हम डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू लेते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, यहाँ पे हम ओमेगा की डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं। क्यों? तो अगर हम ओमेगा की डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं ओमेगा की लॉग वैल्यू, लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ ओमेगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? यहाँ पे हम लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ ओमेगा इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम डील करते हैं हाइयर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज में। मतलब यहाँ पे हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा की वैल्यू हो सकती है 0.1, या फिर ओमेगा की वैल्यू हो सकती है 10, या फिर ओमेगा की वैल्यू हो सकती है 1000, या फिर ओमेगा की वैल्यू हो सकती है इससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम काफ़ी ज़्यादा हाइयर फ्रिक्वेंसी रेंज में डील कर रहे हैं। जब हम हाइयर फ्रिक्वेंसी रेंज में डील करते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि उसे पेपर पे इस तरह से शो कर सके नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पे इसीलिए हम यूज़ करते हैं लॉगरिथमिक स्केल। इससे फ़ायदा क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास दो फ्रिक्वेंसीज हैं, ओमेगा वन एंड ओमेगा टू। ओके, अब यहाँ पे ओमेगा टू एंड ओमेगा वन के बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि ओमेगा टू इज़ इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ओमेगा वन। तो इस तरह से यहाँ पे हमें जो रेशियो देखने को मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी लॉग वैल्यू लूँ तो यहाँ पे हम लेते हैं लॉग, तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा लॉग, एंड लॉग ऑफ 10 होता है हमारे पास 1। तो मतलब जब हमें इस तरह की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मिल रही है जिनके बीच में 10 टाइम्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पे जब हम उसकी लॉग वैल्यू लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 टाइम्स का डिफरेंस रिड्यूस हो जाता है 1 टाइम के डिफरेंस में। तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लॉग स्केल, क्योंकि जब हम हायर फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से डील करनी पड़ेगी, एंड उस फ्रिक्वेंसी रेंज को हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं लॉग स्केल से। तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लॉग स्केल। एंड यहाँ पे ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को हम कहते हैं डिकेड। ओके, डिकेड यहाँ पे हम दो टाइप के टर्म्स पढ़ेंगे, एक है डिकेड एंड एक है हमारे पास ऑक्टेव। अब डिकेड क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि जब भी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में इस तरह का रिलेशन होता है, 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं डिकेड। ओके, लेकिन अगर हमारे पास रिलेशन है कुछ इस तरह से, लेट अस सपोज ओमेगा टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा वन, तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अगर हम लॉग वैल्यू लें तो लॉग ऑफ टू हमें मिलेगा 0.30 समथिंग। ओके, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.3 समथिंग। तो यहाँ पे एक जो रिलेशन निकल के आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो है हमारे पास वन डिकेड इज इक्वल टू 0.3 ऑक्टेव। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि बोडे प्लॉट में हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। किस तरह से मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि सारा खेल जो है वो यूनिट का है। अब यहाँ पे अगर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम ऊपर चलते हैं एंड फिर से आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे कि मैं एक्चुअली में बताना क्या चाह रहा हूँ। तो अभी हमने डिस्कस किया कि एक्स एक्सिस में हम लेते हैं लॉग ऑफ ओमेगा। लॉग ऑफ ओमेगा क्यों लेते हैं हमने डिस्कस कर लिया है। अगर हम बात करें वाई एक्सिस की, तो क्या वाई एक्सिस में हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब मॉड ऑफ जी एच लेंगे? तो नहीं, यहाँ पे भी हम ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं मैग्नीट्यूड की वैल्यू डीबी में। यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट होती है वो होती है डीबी में। डीबी में हम वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? डीबी में वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम इसे लिखते हैं 20 log ऑफ मॉड ऑफ जी एच। तो वाई एक्सिस में जो हम वैल्यू लेंगे वो है 20 log मॉड ऑफ जी एच। ऐसा हम क्यों करते हैं, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आते हैं हम एग्जाम्पल में। चलिए ठीक है, हम कुछ चेंज करते हैं यहाँ पे। लेट अस सपोज हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवेन है जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू के एस प्लस ए डिवाइडेड बाई एस प्लस बी एंड एस प्लस सी। अब यहाँ पे अगर हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर टर्म में इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है,
एंड अगर हम बात करें न्यूमरेटर टर्म एंड डिनोमिनेटर टर्म की, तो यहाँ पे डिवीजन देखने को मिल रहा है। लेकिन जब यहाँ पे हम इसकी लेते हैं लॉग वैल्यू, जब यहाँ पे हम लेते हैं इसकी लॉग वैल्यू, तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ एस प्लस ए माइनस लॉग ऑफ एस प्लस बी माइनस लॉग ऑफ एस प्लस सी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट टर्म था वो यहाँ पे चेंज हो गया है प्लस से, एंड यहाँ पे जो डिवीज़न हो रहा था वो चेंज हो रहा है माइनस से। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन को काफ़ी इजी बना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसकी भी ली लॉग वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हम यूनिट लेंगे डीबी में, तो इसीलिए हमने लिखा 20 लॉग मॉड ऑफ जी एच। तो इसीलिए हमने वाई एक्सिस में लिया 20 लॉग मॉड ऑफ जी एच। तो ये तो था बेसिक्स ऑफ मैग्नीट्यूड प्लॉट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में क्या वैल्यू लेंगे एंड वाई एक्सिस में क्या वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहीं पे अक्सर गलती होती है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम प्लॉट डिस्कस करेंगे या फिर जो भी आप रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस में हमें वैल्यू गिवेन होगी ओमेगा की, यहाँ पे हमें लॉग ऑफ ओमेगा की वैल्यू गिवेन नहीं होती है। मतलब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमें गिवेन होगी ओमेगा इक्वल टू 0.1, ओमेगा इक्वल टू 10, ओमेगा इक्वल टू 100, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ये बात दिमाग में बैठा के रखना है कि यहाँ पे भले ही ओमेगा की वैल्यू गिवन है, लेकिन एक्स एक्सिस होता है हमारे पास लॉग ऑफ ओमेगा। मतलब अगर हमें ओमेगा गिवन है 0.1, तो इसका मतलब है लॉग ऑफ 0.1, जिसकी वैल्यू होती है -1। तो एक्स एक्सिस में इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो होगी -1। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। ये जो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करवाऊँगा तब आपको पता चलेगा कि इन बेसिक्स के पता ना होने पे हम कितनी बड़ी गलती कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और जो बात है, जो क्वेश्चंस अक्सर उठते हैं स्टूडेंट के मन में, कि हम ओमेगा की वैल्यू सारी बुक में 0.1 से क्यों स्टार्ट करते हैं। कुछ बुक्स में 1 से भी स्टार्ट होती है, कुछ बुक्स में 0.1 से स्टार्ट होती है, लेकिन कभी भी वैल्यू यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं होती है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस में हम वैल्यू लेते हैं लॉग ऑफ ओमेगा, तो अगर यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हम 0 लेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा लॉग ऑफ 0, जिसकी वैल्यू होती है -∞। तो हमारा जो प्लॉट स्टार्ट होगा वो होगा -∞ से। तो इस तरह का प्लॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू लेते हैं 0.1। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ओमेगा इक्वल टू 0.1 से ही स्टार्ट करना है। ओके, तो ये तो बात हुई मैग्नीट्यूड प्लॉट की। आई थिंक इसके अलावा यहाँ पे बेसिक्स कुछ और नहीं है, बाकी जो हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे वहाँ पे मैं आपको और बता दूंगा। यहाँ पे शायद एक और चीज़ मिस हो रही है, यहाँ पे हम स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो जब मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा तो वहाँ से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बेसिक्स बता देता हूँ कि जो हमें मैग्नीट्यूड प्लॉट में देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा स्लोप, इस तरह से कुछ स्लोप देखने को मिलेंगे। एंड स्लोप्स की जो यूनिट होगी वो होगी डीबी पर डिकेड में। लेकिन अभी मैंने आपको नीचे बताया है कि यहाँ पे डिकेड और ऑक्टेव में कुछ रिलेशन होता है, जो कि है इस तरह से। तो इस रिलेशन को अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पे हम यूनिट चेंज भी कर सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में यूनिट होती है, स्लोप की जो यूनिट होती है वो होती है डीबी पर डिकेड, लेकिन कुछ बुक्स में यहाँ पे यूनिट होती है डीबी पर ऑक्टेव। तो ये हम देखेंगे किस तरह से चेंज होती है। अगर हमारे पास स्लोप है 20 डीबी पर डिकेड और इसे अगर हम ऑक्टेव में चेंज करना चाहें तो हमें वैल्यू मिलती है 6 डीबी पर ऑक्टेव। किस तरह से चेंजेस होता है मैं आगे आपको डिटेल से बता दूंगा, फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है। अगर हम बात करें फेस प्लॉट की, तो फेस प्लॉट में भी जो हमारा एक्स एक्सिस होगा वो होगा लॉग ऑफ ओमेगा, तो यहाँ पे भी हम लॉगरिथमिक स्केल का यूज़ करेंगे। एंड वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट होगी वो होगी डिग्री, तो यहाँ पे हम एंगल को डिग्री में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, बस आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड प्लॉट में हम फाइंड करेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी एंड फेस मार्जिन, एंड फेस प्लॉट में हम फाइंड करेंगे फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी एंड गेन मार्जिन। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है बेसिक्स में ही। तो ये तो था बेसिक्स ऑफ बोडे प्लॉट। इसके बाद हम देखेंगे कि बोडे प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए रूल क्या है,
नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो उसका हम बोडे प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम सीखेंगे कि अगर हमें बोडे प्लॉट गिवन है तो किस तरह से हम उस बोडे प्लॉट के थ्रू ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एंड साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गेन मार्जिन फेस मार्जिन भी फाइंड किया जाता है। तो फिलहाल बस इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, एंड अगर आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।